शर्मा, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में कई रैलियां कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी की इसी रैली का असर है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं बड़े स्तर पर प्रियंका गांधी के साथ दिखाई दे रही हैं। गौर करने वाली बात तो यह कि प्रियंका गांधी की रैलियों से अब कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिल रही है और खुद प्रियंका गांधी भी मुस्कुराती नजर आ रही है। जी हाँ, 30 साल बाद प्रियंका गांधी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दिल से कांग्रेस का समर्थन कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ये इंतजार कर रही है कि कब विधानसभा चुनाव हो और वो कांग्रेस के लिए समर्थन करें, कांग्रेस के लिए वोट करें और प्रियंका गांधी को वोट करती नजर आए। दरअसल मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि जनता बहुत बड़े हद तक कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही है और प्रियंका गांधी को लेकर भी उन्होंने फैसला कर लिया कि वो प्रियंका गांधी की मेहनत को सफल साबित करके रहेंगे। प्रियंका गांधी की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता आज ये कह रही है कि हम प्रियंका गांधी को मौका देंगे और प्रियंका गांधी है जो उत्तर प्रदेश में बदलाव करेंगी। यानी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की जनता मूड बना चुकी है और बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि जनता प्रियंका गांधी के समर्थन में उतर कर ये बता रही है कि वाकई अब वो प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है और कांग्रेस के चुनाव में जीत तय है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।